जब से वर्ल्ड कप में इंटर हुए तबाही मचा के रख दी। जिससे समझता हूँ कि बुमराह बहुत ही क्लेवर, बहुत चालाक किस्म का बॉलर है, और इन बेवकूफों को देखो, ये दोनों ने जाके उनके अगेंस्ट जाके हिटिंग करने की सोची। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बुमराह की बात की, जैसे रैंकिंग नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है बुमराह डिजर्व करते हैं? और जी देखिए, क्यों नहीं रिजर्व करते, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ सबकी। अच्छा यार, मैं इधर बुमराह की बात आ रही, बुमराह तो एक ब्रांड है ना, बुमराह के लादा जो आप देख रहे, जितने भी बॉलर्स हैं सबकी सब अच्छी परफॉर्म जा रही। जब से वर्ल्ड कप में इंटर हुए तबाही मचा के रख दी। जिस तरह आप देख रहे हैं पीछे हराते आ रहे हैं, आयरलैंड को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, वहां मैच में बांग्लादेश को भी हराया, अभी तक हार ही नहीं रहे। वो कहते ना, मैंने आगे भी कहा था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन वहां मैच उन्होंने बांग्लादेश को हरा के, अब देखे पाकिस्तान को भी हरा दिया, आयरलैंड को भी हरा दिया, अभी आगे देखे कल तो फिर भी बच्ची टीम आनी यूएस से। तो मैच ही बुमराह ने जिताया इंडिया। बिल्कुल देख ले, क्या मैंने आपको क्या कहा, हर एक की अपना अपना किरदार था, बुमराह ने बहुत कमाल के कर दिया। बकाया जो आपने बॉलर देखे उनके भी अटैक्स बहुत अच्छे गए, इसलिए तो मैच जीता। और कमाल बुमराह तो ब्रांड है, पिछले वर्ल्ड कप में उठा के देख ले, एशिया कप में देख ले, हर मतलब वर्ल्ड कप के अंदर गेम के अंदर वो काफी अच्छा परफॉर्म करते रहे। इस टाइम वर्ल्ड का नंबर 1 बेहतरीन किस्म का बॉलर है, ओरिजिनल किंग अगर जिसको कहा जाए ना, जिसके मैच जिसकी वजह से मैच जीते, वो वाहिद बुमराह ही है। बुमराह किंग जो है वो बुमराह। जी जी बिल्कुल, इस टाइम जो है वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे अच्छा जो चल रहा है वो बुमराह, सेकंड पे जो सही चल रहा है वो नसीम शाह। बुमराह की बात कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदारी से वो चले हैं, पाकिस्तान जीता जीता मैच हारा सिर्फ बुमराह की वजह। रोहित शर्मा ने भी बुमराह को कहा, भाई बैटिंग मारी यार बड़ी फेल रही है, मैच विन कराना तो तूने करवाना। भाई कोई शक नहीं इसमें, देखो पाकिस्तान की बॉलिंग तो काफी अच्छी है, तो मानना पड़ेगा, वो भी मार रहे हमें भी मार रहे, लेकिन बैटिंग में आके तो बिल्कुल जीरो। अब बॉलर्स इनके कमाल क्या किया, बैटिंग तो ये जीता हुआ मैच था पाकिस्तान का, लेकिन बॉलर्स ने कहा भाई नहीं, हम इंडिया वाले हैं, हम आपको आहो आहो करके रख देंगे, मतलब अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने और मैच जीता हुआ, मैच पाकिस्तान का जीता हुआ मैच खींच लिया, जिसको एक जीता खींच के जीत लिया उन्होंने इंडिया वाले, वही ना बुमराह ने खींच के जीत लिया मैच। तो लास्ट में बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? यार बुमराह देखिए, हम साया मुल्क है, एक हम जुबान मुल्क है, एक जैसी शक्ल है, एक जैसी सूरत है, वाहिद ही मुल्क है हमारा, ठीक है। तो आप शेयर करेंगे बहुत अच्छा, आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप भी आपने जितना इसी तरह बॉलिंग करके, अगर पाकिस्तान की टीम में आ जाए फिर क्या होगा? यार ऐसा मुमकिन तो नहीं है, तो बच्चों वाली हम बातें करेंगे कि वो पाकिस्तान में आ जाए, वो उन्होंने उधर से किसी ने आना है ना, इधर से उसने किसी ने जाना है। उस जैसा प्लेयर आप देखते हैं उस जैसा प्लेयर फिल वक्त तो नहीं है, लेकिन बॉलिंग अटैक मैं कहता हूँ फिर भी पाकिस्तान की काफी अच्छी रही है यार, लेकिन बैटिंग वालों ने, मैं पहले ही कह रहा था बॉलिंग तो अक्सर चल जाती है हर मैच के अंदर, लेकिन बैटिंग हमारी कमजोर बहुत ज्यादा। एक सवाल लास्ट का रह गया कि बुमराह इंजरी के बाद वापस आए हैं, आज देखे इंजरी के बाद वापस आए हैं, बिल्कुल उनकी टीम इंडिया की एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ शान है, उनका एक खिलाड़ी से एक बार चढ़ जाता है, कोई इश्यूज वगैरह आ जाए उससे ज्यादा आगे परफॉर्म बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल वही कहना, कोई मसला बन जाए उससे ज्यादा परफॉर्म आगे करते हैं खिलाड़ी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक सर, आप सुनाएं। सर अगर इंडियन बॉलिंग की बात की, बुमराह से रैंकिंग नंबर 1 पे आए हुए, बिल्कुल क्या लगता है बुमराह डिजर्व करते हैं? बिल्कुल 100% डिजर्व करते हैं। बुमराह की अगर बात की जाए तो बुमराह इस सदी के ना मैं ग्रेटेस्ट सबसे बेहतरीन बॉलर में उनको समझूंगा, बुमराह मेरा ऑल टाइम फेवरेट बॉलर बन चुके हैं। जिस तरह के उस बंदे ने हर पिच के ऊपर, आप देख लें बॉलिंग हो चाहे बैटिंग पिच हो, वहीं पे उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया है। आपने आईपीएल के अंदर देखा होना है हर बॉलर को कुट पड़ रही, मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बड़े नाम उनको कुट पड़ रही थी, बुमराह वाहिद बॉलर थे जिनको कुट नहीं पड़ रही, 6 की एवरेज पर आवर से वो रन देते आ रहे थे, सिंगल डबल से। ऐसे बुमराह को बीट करना, बुमराह बिल्कुल ही परफेक्ट जो आईसीसी ने उनको दिया है ना, बिल्कुल 100%, ये बहुत ही उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको ये नंबर 1 का टैग लगा। ठीक है सर, दूसरी बात कहते हैं 9 जून को जो मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही है, तो क्या लगता है कि बुमराह ने, बुमराह की जो बॉलिंग थी उसकी वजह से इंडिया मैच विन किया? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। आप देख लें, हम दो प्लेयर के ऊपर इंसार कर बैठते होते हैं, ये दो प्लेयर करेंगे तो बकाया टीम करेगी, बकाया नहीं करेंगे तो ये दो नहीं करेंगे तो बकाया कोई परफॉर्म नहीं करेगा। आप देख लें हमारे जो मेन दो प्लेयर थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को आउट कर दिया, मैच उधर ही खत्म हो गया हमारा। आप देख लें 84 रन पे रिजवान की विकेट गिरी, तब तक हम मान रहे थे कि पाकिस्तान 92% पे जीता हुआ था, तब बुमराह ने उसको मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया, उधर ही मैच फिनिश्ड हो गया हमारा, मैच खत्म हो गया। रोहित शर्मा ने भी बुमराह को बोला है कि यार बैटिंग मारी आज बहुत लूज रही है पर तेरी बॉलिंग चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसने उस हिसाब से बॉलिंग की जिस हिसाब से करना, मैं समझता हूँ बुमराह बहुत ही क्लेवर, बहुत चालाक किस्म का बॉलर है, और इन बेवकूफों को देखो, ये दोनों ने जाके उनके अगेंस्ट जाके हिटिंग करने की सोची,
उसकी मुझे समझ नहीं आती बाबर आजम की किस शॉट पे आउट हो गए। उसके बाद अगर बाबर आजम की तो कोई बात नहीं करता, मोहम्मद रिजवान के ऊपर सारे बात करते हैं कि भाई उसने गलत शॉट मारी, बाबर आजम ने बहुत गंदी शॉट मारी। मैच बड़ा बुमराह ने मैच जो है ना सीधा सीधा इंडिया को, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बुमराह को इस टीम से इंडिया की टीम से निकाल दिया तो इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल जान नहीं बचेगी, बेजान होगी। सिराज पड़ा है अभी, बिल्कुल बेजान हो गए। नहीं भाई, बुमराह से आप किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। इस टाइम वर्ल्ड का नंबर वन बेहतरीन किस्म का बॉलर है, ओरिजिनल किंग अगर जिसको कहा जाए ना, जिसके मैच जिसकी वजह से मैच जीते, वो वाहिद बुमराह ही है। बुमराह किंग जो है वो बुमराह, जी जी बिल्कुल। इस टाइम जो है वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे अच्छा जो चल रहा है वो बुमराह है। सेकंड पे जो सही चल रहा है वो नसीम शाह। बुमराह के बाद कौन से बॉलर को देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं नसीम शाह को देखना चाहूंगा। नसीम शाह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारी टीम के अंदर। आपने देखा होना नसीम शाह की किस तरह की परफॉर्मेंस है। बुमराह के बाद नसीम शाह आते हैं। नसीम शाह के अलावा अगर दूसरे प्लेयर को, वो मुझे नहीं पता कौन होगा। लास्ट में बुमराह को कुछ प्यारे से पैगाम। जी बिल्कुल, बुमराह यार मेरा वन ऑफ द अभी जो हिस्ट्री का जो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो बुमराह है। इस तरह ही अपने फैंस के दिल पे छाए रहे बुमराह, और इसी तरह अच्छे अच्छे परफॉर्म्स करते रहे, और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाए उनको। थैंक यू।